भाजपा कह रही है हम राम राम को लाए उसी को लाएंगे, तो हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम राम को लाए, राम हमको लेके आए हैं। दिल्ली किन भेज रहे हो? दिल्ली हमें राहुल गांधी को भेज रहे हैं। राहुल गांधी को? राहुल, लेकिन बाड़मेर से किसको भेज रहे हो? अमिता राम जी। रविंद्र पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, अबीड बसीड गबीड़ और लांटा रहे हो, सिर्फ ओनली पॉल और लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। युवा के साथ तो गलत खिलवाड़ हुआ है। अच्छा, युवा तो ऐसे ही बैठे हैं, सब बेरोजगार बैठे हैं। रविंद्र बाहर के लोग लाए हुए, बाड़मेर जैसलमेर के लोग कम है। अच्छा, और वो दबाव बना रहा है, दबाव के जनता दबाव में नहीं आती है, वोट दबाव से नहीं जाती है, जनता स्वतंत्र। हमारे जैसे अभी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रामजी बेनीवाल का सबसे बड़ा ऊपर है और इनकी जनता फैन है। 400 पार की 200 पार मुश्किल है, बड़ा है मुश्किल है। हाँ, तो भाई तो राम मंदिर बनवा दी भी के नाम पे वोट कौन दोगे? राम मंदिर वोट आओ कौन साहब, वोट तो कम हुआ। उम्मीदवार राम जी खुद चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़ रहे और रविंद्र सिंह चुनाव ओनली फॉर बसीर गबीड़ और ऐसे तत्ते। और कल आपने देखा होगा सभा के अंदर जो आनंद पाल सिंह को अपना मान के शशि संताल जली देने की बात करें, तो उसको जो अपराधियों का शेर है बेनकाम हो चुके, अब जनता समझ चुकी है। कैलाश चौधरी को वोट दिया, एक पासा ही को आए मुंडी को बताया नहीं कि कम में आता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। RJ TV 24 की चुनावी यात्रा राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर है और इस वक्त मैं बायतू विधानसभा क्षेत्र के गाँवों में जा रहा हूँ। अब ये देखते हैं कि यहाँ से दिल्ली किसको भेजेंगे ये लोग, क्योंकि यहाँ से भाजपा ने फिर कैलाश चौधरी पर दांव खेला है तो कांग्रेस ने उम्मीदवार राम बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर शिव के विधायक रविंद्र भाटी ने चुनाव को रोमांचक बना दिया। आइए जानते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। राम राम सर। राम राम सर। के नाम है? नाम रुकबा राम है। के लागे है यो जो चुनाव है इस बार, जो मोटो चुनाव है, दिल्ली जाना रो चुनाव है, दिल्ली किन भेज रहे हो? दिल्ली हमें राहुल गांधी को भेज रहे सर। राहुल गांधी को? राहुल, लेकिन बाड़मेर से किसको भेज रहे हो? अमिता राम जी को। उम्मीदवार राम को? अमिता राम जी। उम्मीदवार राम नयो प्रत्याशी है, नयो चेहरो है और एक अलग टाइप की राजनीति करे, वह शिक्षा न लेकर राजनीति। के लागे है के माहौल है? बिना माहौल अच्छा है, हमारे कांग्रेस का है राहुल भाई, अमिता राम को जीताना है। अच्छा। हाँ, कैलाश चौधरी के काम करवाए? कैलाश चौधरी को तो वोट दिया, एक पासा ही पाए मुंडी को बताया नहीं कि कम में आता है हमको। थोड़ा जोर बोलो ताकि मतलब जोश आवे। के काम करवाए ये बताओ? हमारा कहीं काम को कराए साहब, क्या कराए? आप ही कौन है? एक वोट दिया कौन ने? कौन देखा? कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी क्या बड़ो नेतो है, बड़ो मंत्री है, आओ तो इन्हें भागो खड़े हो। वोट बांट किन दे रहे हो? वोट बांट तो साहब अमिता राम दे। अमिता राम दे? हाँ साहब। क्या हाथ वोट दे अमिता राम ने? के कारण दे रहे हो अमिता राम ने? अरे बढ़िया की कौम भी जो कांग्रेस ऐसा बोल दिया सा। तो वो रविंद्र भाटी भी चुनाव लड़ रहे भी गए, वो छोरो ठीक कोने गए हुए नहीं कोई दे तो पाला हूँ कोई साहब देता हूँ। हाँ, मैं कौन दोगे? मर तो ये कांग्रेस रो साहब, कांग्रेस ने दिया वोट। कांग्रेस रो? हाँ, रविंद्र भाटी तो कह रहे हैं बहुत मोटो नाम है, मतलब भीड़ भी खूब आई भी नामांकन तो है तो बढ़िया है, और भले दे कौन सा थाने के लगे भाई जी। रविंद्र भाटी को के माहौल है? भारत कांग्रेस पार्टी अमिता राम जी है। अमिता राम एक ही आदमी और कोई कोने? नहीं। अच्छा, हरीश चौधरी तारा ठे विधायक है, कितो काम करवाए? हरीश चौधरी बहुत बढ़िया काम कराया हमारे। काम करवाए? हाँ, काम बहुत कराया हमारा, डमर रोड सब बना दिया है हरीश चौधरी ने। अच्छा, नरेगा का काम है तो हरीश ने बहुत बढ़िया काम कराया, नरेगा का काम चलता है, टू व्हीलर है, हैंडपम्प है, सब कारो फुल है हमारे, तो रोजगार फुल है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं की बार 400 पार? नहीं, 400 पार की 200 पार मुश्किल है, बड़ा है मुश्किल है। हाँ, तो भाई तो राम मंदिर बनवा दी के नाम पे वोट कौन दोगे? राम मंदिर वोट आओ कौन साहब, वोट तो कम हुआ है। काम हुआ है? हाँ सर, काम ही है, राम मंदिर बना दे, बताओ कर तो राम मंदिर तो सबका ही है, मोदी जी का आया कौन? सबका है ना राम मंदिर तो सबको है। हाँ, तो सबका ही है राम मंदिर, मोदी जी का आया कौन? एक लेकर कह के राम मंदिर का दिया वोट देंगे ऐसा है। के कर रहे हो ते? के कर रहे हो? मैं रेडी हूँ। वोट किन दे रहे हो? वोट कांग्रेस को। कांग्रेस ने दे? हाँ। कौन है कांग्रेस? कांग्रेस है उम्मीदवार राम। उम्मीदवार राम? तो उम्मीदवार राम ने दे रहे हो? कैलाश चौधरी ने क्यों कौन दे? रविंद्र भाटी भाटी मई रखो गाँव में। गाँव में ही रखो ना। राम राम सा। राम राम सा। के नाम है ताऊ जी? रेखा राम। के लागे है बाड़मेर के माहौल है?
बाद मेरा मामला तो यूँ है कि पब्लिक का धंधा है, कोई कुछ नहीं जावे, कोई नहीं कुछ नहीं जावे, बराबर तोकल तो आवेदन ठा पड़े पहले के ठा पड़े। कैलाश चौधरी की तो काम करवायो है भाई, कैलाश से कराया जड़ कराया नरी साथ आप धंधो होवे जड़ कराई हुई है। हाँ नबे कोई नुओ देख वही कराई जड़ी देख लिया। अच्छा हाँ, तो इबके बाड़मेर में तीन कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, उम्मेदा राम लड़ रहे हो है, तो कैलाश चौधरी लड़ रहे हो है, एक रविंद्र भाटी लड़ रहे हो है, कौन सो मजबूत है? मजबूत तो मार लिए तो भाई हरीश जी है, उम्मेदा राम जी है, यही भी है, यही मजबूत है। हाँ कैलाश जी भी है, हाँ नहीं है टक्कर की बीच में रहेगी, टक्कर मारे कांग्रेस जी है, कांग्रेस जी है। कांग्रेस की किसी रहेगी? हम तो कांग्रेस में देंगे। ताने के लगा भाई जी, बहुत बढ़िया लगे, यहाँ उम्मेदवार राम जी का माहौल बहुत बढ़िया है। अच्छा हाँ, ये रविंद्र भाटी जो चुनाव लड़ रहे हैं के बारे में क्या कहना है? हाँ रविंद्र भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, अबीड बसीड गबीड और लांटा रहे हो, सिर्फ ओनली पॉल और लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं और कोई मुद्दा है नहीं। हमारे उम्मेदवार राम जी बेनीवाल साहब के मुद्दा शिक्षा वो और जो नहरी क्षेत्र का आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो और जो भी मुद्दा है, जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मुद्दा है, उम्मेदवार राम जी खुद चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़ रहे और रविंद्र सिंह चुनाव ओनली फॉर बसीड गबीड और ऐसे तथ्य। और कल आपने देखा होगा सभा के अंदर जो आनंद पाल सिंह को अपना मान के शशि संदाल जल्दी देने की बात करें तो उसको जो अपराधियों का शेर है बेनकाम हो चुके हैं, अब जनता समझ चुकी है और आने वाले 26 तारीख तक सब जनता समझ जाएगी। आपको क्या कहना है इसके बारे में, ये जो अभी भाई कह रहा था ये इसके बारे में, मतलब ये जो बछीड़ गबीड़ या की चीज है? देखो मैं किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकता, पार्टियां हैं जो सारी ऐसी है, हमारी बाड़मेर और बाईतू की जो जैसलमेर की बालोतरा की जनता है, जो जनप्रतिनिधि कैसा हो उसका व्यवहार कैसा हो वो उसकी जनता के प्रति कैसे लगाव हो उसके अकॉर्डिंग वोट करती है। और हमारे जैसे अभी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में उम्मेदवार राम जी बेनीवाल का सबसे पर्चा ऊपर है और इनकी जनता फैन है। रविंद्र भाटी युवा है, युवा है तो युवा से यहाँ कोई खेल तो कराना है नहीं, ये तो जनप्रतिनिधि ऐसा सुनेगा जो काम करे लोगों के हित में काम आए और पार्टी से जुड़ा हुआ बंदा हो। अब मैं बिल्कुल युवा हूँ, मेरे पास शक्ति है लेकिन कोई मेरे पास पार्टी नहीं है, कोई जुड़ा हुआ आदमी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता अकेला। लेकिन रविंद्र भाटी विधायक हैं, शिव से काम करवाया है शिव में 3 महीने में? वो विधायक है लेकिन अभी 4 महीने में राजस्थान की विधानसभा से सिर्फ 2 हैंडपंप लाए, वो जनता को सारे दिख रहे हैं, वो 4 महीने का नतीजा 2 हैंडपंप ला सकते हो, अभी आगे कोशिश करेगा लेकिन इतना नहीं कर सकता जो जिंदा पार्टी के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ बंदा हो। अच्छा के लगा तो कैलाश चौधरी की तो काम करवाया है? काम कैलाश जी ने करवाया है लेकिन कैलाश जी के थोड़े यहाँ जनता का मनोबल टूट गया है, कैलाश जी के प्रति जनता इतनी वो खुश नहीं है जितनी पहले थी, क्योंकि कैलाश ने टाइम नहीं दिया भाई तू की जनता को, बाढ़ में जैसे मेयर की मीटिंग भी नहीं की इतनी, तो अभी हमारे को यही लगता है कि उमेश जी इस बार, मोदी जी तो कह रहे हैं इनकी बार 400 पार, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी का वो अलग है, हमारे बाड़मेर जैसलमेर मोदी जी के और राहुल गांधी के बीच वोट नहीं देते। अच्छा किसके? हमारा कैंडिडेट जनप्रतिनिधि देखते हैं यहाँ के कैसा हो उसके अकॉर्डिंग वोट देते हैं। तो कैंडिडेट तो तीनों ही अच्छे हैं आपके तो, लेकिन जनता का लगाव ज़्यादा है उमेश जी के प्रति। अच्छा हनुमान बेनीवाल कितना प्रभावी रखते हैं इस बाड़मेर में? रखते हैं वो भी दवा पलटने का रखते हैं, उसकी तो बात ही अलग है। इंडिया गठबंधन का कुछ फायदा होगा यहाँ कांग्रेस को? बिल्कुल होगा। अच्छा एक चीज और जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि इस बार 400 पार राम को लाए हैं उसको लाएंगे, तो उसके बारे में क्या कहना है राम मंदिर को? देखो राम मंदिर ये बढ़िया विषय है, बढ़िया मोदी ने योगदान दिया है, और लेकिन यहाँ जो होते कहावत है मारा उनका गया है कि ससुर कितना भी बढ़िया हो अगर अपने पावना जी अड़ाई है तो कैलाश जी के प्रति जनता नागरू वो नाराज हो गई है, इसलिए भाई कुछ कह रहा है राम मंदिर को, क्या कह रहे हो आप? हाँ राम मंदिर की बात है, भाजपा कह रही है हम राम को लाए उसी को लाएंगे, तो हमारी औकात इतनी नहीं है कि हम राम को लाए, राम हमको लेके आए हैं, हमारे पुराने पीढ़ियों दरादर राम को लेके आ रहे हैं, जैसे तेजा राम है, जैसे राम हम नाम के पीछे राम रखते हैं, तो हमारे हम कोई राम को लेके नहीं आए, राम हमको लेके आए हैं, ये भ्रम है, जनता को गुमराह करने का काम है, कोई नहीं है। हाँ देखो मेरी बात सुनो कि प्राण प्रतिष्ठा होती है हमारे जो यहाँ संस्कार है, प्राण प्रतिष्ठा जो होती है तो मंदिर पूरा पूर्ण होने के बाद होती है, तो हम वहाँ राम मंदिर सिर्फ चुनावी फायदे के लिए जो मंदिर पूर्ण हुआ ही नहीं इससे पहले प्रतिष्ठा करा दिए, ये कोई नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जनता उससे भर में आएंगी नहीं। राम राम भाई। राम राम सर। क्या नाम है? मेरा नाम हनुमान राम है। हनुमान राम? हनुमान। हाँ हनुमान, एक तो वो नागौर आरो है, एक तेरो है। हाँ। के लागे है इनका हनुमान कांग्रेस के साथ आए हुए हैं? बहुत बढ़िया किया कांग्रेस के साथ आने से। अच्छा वोट बाट किन दे वोट? हम तो कांग्रेस पार्टी को देखते आए हैं और देंगे। कांग्रेस को देते हैं? हाँ कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे सर।
युवा रविंदर भाटी है, बढ़िया जोशीला छोरा है भी के साथ है, के लगे की फायदो कराओ होगा वो नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ कैंडिडेट उम्मीदवार राम जी बनीवाल वो भी अच्छे आदमी है, लेकिन रविंदर व्यक्ति आदमी हाथ बाजू करके लांठा रही हूँ कब है लांठा रहने, एक उसने शब्द पकड़ लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे लिए। लांठा मतलब कहीं हुआ है, मतलब कोई कुश्ती करनी नहीं है। अच्छा, एक तो हमारे लाठा तो कुश्ती करते उसमें भी कह देते कि लाठा है वो जीत जाएगा। अच्छा, वो कोई फायदा नहीं हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के पीछे हम वोट देते हैं। सरल अग्निवीर योजना ये इसके बारे में क्या कहना है? अग्निवीर योजना के बारे में खास कुछ नहीं है, उसमें क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं हुआ है। मोदी जी ने योजना ला कर छोड़ दी है, बाकी कुछ जनता को इसमें मतलब कई नेता भी अग्निवीर बन गए, फायदा नहीं है। कई नेता भी अग्निवीर बन रहे, हरियाणा में चौटाला बन गए मैंने सुना। सही बात है, युवा के साथ तो गलत खिलवाड़ हुआ है। अच्छा, युवा तो ऐसे ही बैठे हैं, सब बेरोजगार बैठे हैं, किसी को रोजगार मिला नहीं है। अच्छा, अब हमारे उम्मीदवार राम जी कांग्रेस में आए तो बहुत अच्छी बात है, हम उम्मीदवार राम जी को वोट करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। राम राम सा राम राम। के नाम है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश भाई इन थोड़ा सा देखिए के लागे है बाड़मेर रोके माहौल है। बाड़मेर उम्मीदवार राम को वोट देंगे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने क्यों करवाई? ऐसे ही कांग्रेस पार्टी बढ़िया पार्टी है इसलिए। के लागे है तो ये रविंदर भाई चुनाव लड़ रहे हैं, मैं यार ये भीड़ बहुत आ रही है के लागे रविंदर से बाहर के लोग लाए हुए, बाड़मेर जैसलमेर के लोग कम है। अच्छा, और वो दबाव बना रहा है, दबाव उसके जनता दबाव में नहीं आती है, वोट दबाव से नहीं जाती है, जनता स्वतंत्र है। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के गांव के जनता जनार्दन के बीच जा रहा हूं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बाड़मेर की जनता किसके नाम पे मोहर लगाती है। और आप देखते रहिए हमारी चुनावी यात्रा, फिर मिलते किसी गाँव में किसी चौपाल में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।